चैप्टर और अनदर एपिसोड। और आज का एपिसोड वही शुरू हो रहा है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। खराब क्या बोल रहा हूँ मैं, तो पिछले एपिसोड में जहाँ पे दिखाता है कि गेट खोलता है और तभी वो जो लड़की थी वो एकदम लुओ के शरीर पे आके गिर जाता है, और ये देखने के बाद लुओ भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर उसको एकदम सीधा करके खड़ा करता है और वो एकदम उसको कंधे में हाथ देकर उसको सपोर्ट देकर रखता है और उससे पूछता है कि क्या कर रहे थे तुम इतना देर, और वैसे भी क्या तुम सही फील कर रहे हो और या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है किसी कारण की वजह से। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था, और ये जब भी हुआ तो वो एकदम इमोशनल होकर कह रही थी कि नहीं वैसा कुछ बात नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा बहुत टायर्ड हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये सुनने के बाद जो लुओ होता है वो लुओ कहने लगता है कि तुम इतने लेट तक क्यों आए, तुम तो स्कूल गए थे ना, और तुम्हें स्कूल से आते वक्त आने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि नहीं असल में बात ऐसा है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं उसके घर में पूरी दिन थी और उसके घर में ही उसका ख्याल रख रहा था। और ये सुनने के बाद जो लुओ था वो कहता है कि देखो ये कोई भी ढंग का रीज़न नहीं है और तुम्हें वैसे भी इतना देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो लड़की रहती है वो थोड़ा बहुत गुस्सा होता है लुओ के ऊपर और लुओ को कहता है कि अब तुम मेरे पापा जैसे ऐसे मुझे डांटो भी तो नहीं। और ये सुनने के बाद लुओ कहता है कि पापा जैसे, और उसके बाद लुओ थोड़ा घबरा के कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ऐसा बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस तुम्हें वार्न कर दे रहा था कि एक छोटी बच्ची के लिए इतना रात तक बाहर रहना उतना सेफ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसके बाद वो लड़की कहता है कि हाँ हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन वो सब छोड़ो तुम मुझे मेरा कॉफ़ी को वापस दो। और ये सुन के उसका जो पसीना था सारा छूट जाता है। लुओ उस लड़की को कुछ बोल नहीं जाता है कि तभी उसका जो बिल्ली है कॉफ़ी वो गेट खोल के बाहर आ जाती है, और ये देखने के बाद ऑब्वियसली वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि कॉफ़ी, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है ठीक है, और वो जा रही थी। और फिर वो लड़की उस कॉफ़ी को उठाती है और अपने गोदी में ले लेती है, और ये सब देख रहा था लुओ काफ़ी ज़्यादा मतलब वियर्ड फील कर रहा था। चैप्टर और अनदर एपिसोड। लुओ काफ़ी ज़्यादा मतलब वियर्ड फील कर रहा था और वो कहते कि कॉफ़ी तुम कैसे हो, शायद तुम आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। और फिर वो लड़की कॉफ़ी को अपने गोदी में ही लेकर कहता है कि थैंक यू सीनियर, आपने इतना अच्छा ख्याल रखा कॉफ़ी का, और अभी आपको ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं कॉफ़ी को अपने साथ ही रख लूँगी। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी लुओ उसको कहता है कि रुको, और ये सुनने के बाद वो जो लड़की है वो पीछे मुड़ के उसे पूछती कि सीनियर क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो। और ये सुनने के बाद जो लुओ कहता है कि हाँ, मतलब लुओ ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो लड़की लुओ को इंटरप्ट कर देता है और कहता है कि क्या कॉफ़ी ने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सुनने के बाद लुओ कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉफ़ी तो काफ़ी प्यारी थी, हाँ वो अलग बात है कि उसने तो मतलब कुछ थोड़ा दंगा मचा के रखा था, लेकिन वो काफ़ी प्यारी थी। और ये सुन के वो लड़की कह रही कि थैंक गॉड, और फिर वो लड़की मन ही मन सोच रही है कि अगर कुछ तोड़ भी दिया होता तो मेरे पास पैसे ही कहाँ आते कि मैं तुमको कुछ दे पाता। और उसके बाद लुओ कहता है कि क्या तुम्हें वो याद है जो तुमने कैट टॉय दिया था कॉफ़ी के साथ, जिसके वजह से कि कॉफ़ी उसके साथ खेल सकता था। और इसके बाद ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ वो टॉय तो हाँ मुझे याद है, वो एक छोटा सा कैट डॉल था। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ वही वाला डॉल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको शायद कुछ हुआ है। और ये सुन के वो जो लड़की थी वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो वैसे भी एक डॉल था और मैं उसे फेंक भी देती तो वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को, और वैसे भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी उस पुराने डॉल के साथ खेलते खेलते, और मैंने सोच भी लिया था कि मैं उसको एक और डॉल गिफ्ट करूंगी। और तभी लुओ कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो एकदम भाग के चली जाती है अपने कैट को लेके और कहती है कि मुझे अभी जाना होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और वैसे भी कल सुबह मेरा स्कूल है तो फिर मुझे जल्दी से जाना होगा, नहीं तो मुझे कल सुबह उठ नहीं पाऊंगी। और यह देख के ही लुओ वहाँ पे एकदम स्टक खड़ा हो जाता है और वहाँ पे उसको देखते ही रहता है, वो सिचुएशन को पूरा प्रोसेस करता रहता है। और उसके बाद लुओ घर में घुसता है और वो कहता है कि कल जब मेरा पावर खत्म हो जाएगा तो मैं सब कुछ इसे एक्सप्लेन करके बता दूंगा क्योंकि आज तो बताने की हालत में मैं हूं नहीं। लेकिन तभी वो जब सामने देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें खुले की खुले रह जाती है, वो देखता है कि जो मीमी थी वही कैट गर्ल वो एकदम जमीन में नीचे पड़ी हुई थी और वो काफी ज्यादा हेल्पलेस दिख रही थी। और ये देखने के बाद जो लुओ है वो एकदम चिल्लाती है कि मीमी, और उसके बाद वो मीमी की शक्ल की तरफ देखता है जो कि पूरा मुरझा गया होता है, और फिर मीमी को वो एकदम अपने हाथों से उठाता है और कहता है कि मीमी
तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सही सलामत हो। और उसके बाद जो मिमी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भी एनर्जी था सब कुछ कहीं पर गायब हो चुका है। और ये सब सुनने के बाद जो लू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो मन ही मन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा एनर्जी ऐसे ही कहीं पर चला जाएगा। और उसके पूरा पसीने छूट रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने फिर से वही मैजिकल लाइट आ जाता है और ये देखने के बाद वो और ज़्यादा घबरा जाता है। लुओ मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों फिर से ये लाइट क्यों आ रहा है। और तभी वो जो मिमी होती है वो एकदम हवा में उड़ जाती है और वहाँ पर जो लाइट था उस लाइट के साथ एकदम वैनिश होना शुरू हो जाती है, उसके लोअर बॉडी एकदम वैनिश हो जाता है और वो फिर से वही डॉल में बदल जाती है और वो डॉल एकदम हवा में फ्लोट करने लगता है। और उसके बाद जो होता है वो देख के लुओ एकदम घबरा जाता है। लुओ एकदम चिल्लाता है कि मिमी ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। वो डॉल अभी भी हवा में लटक रहा था और उसके चारों ओर वो जो मैजिकल लाइट सा वो एकदम घूमे जा रहा था और ये सब देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। और तभी वो जो डॉल था वो डॉल कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर, तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए वो सब काफ़ी अच्छा था और धन्यवाद सब चीज़ के लिए। और ये देखने के बाद जो लू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मिमी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉल था वो डॉल एकदम वैनिश होने लगता है, वो पूरा जैसे थैनोस में जैसे वैनिश होने लगता था ये भी डॉल पूरा ऐसे ही वैनिश हो गया। और ये सब देखने के बाद जो लू था वो पूरा हताश हो गया, वो अपने इधर ही बैठे रहा और वो एकदम उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने वाला है। उसके हाथ एकदम जमीन के साथ सटे हुए थे और वो सोच रहा था कि क्यों हुआ ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मिमी के साथ ही क्यों हुआ। लुओ ये सब चीजों को सोचते रहता है लेकिन वो बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता है कि अभी जो मिमी थी वो अभी उसके साथ नहीं है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो कुछ करना तो चाहता था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसका बॉडी पूरा तरीके से सुन पड़ गया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज अगर उसका मालिक उसे लेने के लिए मना कर दे तो वो चीज और वापस ट्रांसफॉर्म नहीं होती बल्कि एकदम से गायब हो जाता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके यादों में वो मिमी को सोच रहा था और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, वो मिमी के यादों में रोने लगता है। और वो ऐसे ही रो रहा था कि तभी वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मिमी तुम क्यों चले गए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज लिंक में एक बार जरूर चेक करना और अगर कोई चीज़ पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी खरीद लो। और थैंक यू वॉच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।